हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आपको दोस्त अभिषेक आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य पर काम कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये जो टॉपिक है आज का, आप लोग ये देखते होंगे अपने आसपास की बहुत सारे लड़के ऐसे बात करते होंगे आपस में कि नहीं, मैं असम पेपर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दूंगा। जैसे SSC GD का जब फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें देखते होंगे आप लोग क्या SSC GD के फॉर्म फिलअप में हमें असम पेपर्स फर्स्ट चॉइस नहीं दूंगा। आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि बहुत सारे लड़के होते हैं जिनके वो ये गलत फहमी होती है कि असम पेपर्स को फर्स्ट चॉइस नहीं दूंगा बल्कि अदर फोर्सेज को दूंगा। तो देखिए, अगर मैं तुलना सभी ऐसे तो फोर्सेज सभी अच्छी है, लेकिन सबका अलग अलग एक ड्रीम जॉब होता है कि हाँ मुझे इस प्रकार की वर्दी पहननी है, मुझे इसमें जाना है। तो जैसे अगर असम पेपर्स को अगर फर्स्ट प्रेफरेंस जो लड़के नहीं देते होंगे उनको या तो उनको CSF में जाने का मन होता होगा। जैसे CSF का ऐसा कुछ जॉब होता है कि बाकी अदर फोर्सेस के मुकाबले कि CSF का जो होता है वो सिटीज़ में पड़ता है। आप मैक्सिमम हमेशा सिटीज़ में, एयरपोर्ट में, जितने भी इंडस्ट्रियल है बड़े बड़े गवर्नमेंट, वहाँ पर आपका ड्यूटी पड़ता है। तो CSF को जैसे जंगलों में या फिर जंगलों में मतलब क्या कि आपका सिटी से अलग गाँव साइड में आपका जॉब नहीं ड्यूटी पड़ता है CSF में। तो बहुत सारे लोग होते हैं CSF को चूज़ करते हैं और बहुत सारे चूज़ होते हैं नहीं, मुझे BSF में जाना है, बॉर्डर के साइड में ही मुझे रहना है मैक्सिमम, तो BSF को चूज़ करते हैं। अगर कोई बहुत सारे होते हैं जिससे कि नहीं, मुझे अपना जो नॉर्थ इंडिया उधर साइड में ही रहना है, तो SSB को चूज़ करते हैं। और बहुत सारे लड़के होते हैं जिनका मन होता है कि नहीं, मुझे अपना अरुणाचल प्रदेश जो होता है नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, उधर तिब्बत की तरफ, उधर मुझे रहना है हमेशा बर्फीले क्षेत्रों की तरफ, तो ITBP को चूज़ करते हैं। और बहुत सारे होते हैं कि नहीं, मुझे आर्मी का ही ज्वाइन, आर्मी जो बहुत सारे लड़कों का ख्वाहिश होता है कि नहीं मैं आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन बट वो किसी कारणवश आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो आर्मी को जब ज्वाइन नहीं कर पाते तो उन्हें तो ये इच्छा तो रहती है कि हाँ मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। तो असम पेपर्स से कैसा फोर्स है जिसमें आपको आर्मी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। आपका ऐसा कोई फैसिलिटीज़ नहीं होगा जो MSP मिलिट्री सर्विस पे को छोड़कर बाकी बात सारी फैसिलिटीज़ असम पेपर्स को मिलती है। तो आपको असम पेपर्स इसलिए बहुत सारे लड़के होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी होती हैं जिस ज्वाइन करना चाहते हैं, इतनी सारी लड़कियाँ भी होती हैं जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहती है। बट पहले अग्निवीर से पहले क्या था, आर्मी में कोई लड़कियाँ नहीं ज्वाइन करती थी, केवल ऑफिसर ही ज्वाइन करते थे ऑफिसर के रूप में, बट नॉर्मल जवान के रूप में, सोल्जर के रूप में कोई भी लड़के ज्वाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जो है असम आर्मी में अग्निवीर की तरफ से जा सकती है, लेकिन अब असम पेपर्स को भी वो लोग ज्वाइन कर सकती है एज अ आर्मी के यूनिफॉर्म, अगर उन्हें भी पहनने का शौक हो तो असम पेपर्स में ज्वाइन कर सकती है। उनको CSD फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, लीकर फैसिलिटी, आपका जितना भी आर्मी का यूनिफॉर्म, जितने भी आर्मी के रूल्स होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो असम पेपर्स को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मानती है, मानते भी है। तो असम पेपर्स को मेरा भी बहुत सारा मन था, बहुत मन था कि हाँ आर्मी को ज्वाइन करूँ। पहले मैं आर्मी नर्सिंग स्ट्रीम के लिए प्रिपरेशन करता था, तो उसमें देखा कि उसका जो अग्निवीर आ गया, फिर उस टाइम मैं भर्ती आ गया, तो उसी टाइम मैंने SSC GD का एग्ज़ाम था, दोनों एक साथ ही पढ़ गया था। मैं SSC GD को चूज़ किया और उसमें नहीं गया आर्मी में, आर्मी के नर्सिंग स्टूडेंट में वहाँ भर्ती देने। तो फिर उसी टाइम पे मेरा असम पेपर्स का भी था, तो मैं कंफ्यूज था कि मैं किसको जाऊँ। तो मैंने देखा कि पहले असम पेपर्स में जाता हूँ फिर उसमें जाऊँगा, क्योंकि इसी अच्छा था, उससे अच्छे रैंक पर भी था, उससे अच्छा पोस्ट भी था, सैलरी भी थी, इस कारण मैं इसको चूज़ किया। और असम पेपर्स मुझे नॉर्थ ईस्ट के थोड़ा घूमना था, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप जैसे असम पेपर्स का पोस्टिंग पूरे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इसका पोस्टिंग, और जम्मू कश्मीर में भी है, तो मुझे ये भी मौका था घूमने का, तो ये भी मौका पूरा हो गया। और बहुत सारी जगहों पर घूम, अभी 2 साल ही बहुत ज़्यादा सर्विस नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत सारी जगहों को घूम लिया, बहुत सारी जगहों को देख भी लिया, बहुत कुछ सीखा भी मैंने यहाँ से। तो इस प्रकार बहुत सारे लड़के लड़कियाँ होती हैं जो असम पेपर्स को चूज़ करती है, तो आप भी चूज़ कर सकते हो अगर आपका इच्छा हो तो। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको जहाँ इच्छा हो, जिस फोर्स में जाना हो वहाँ आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। जय हिंद।